मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि धारा 370 हटने के बाद से कांग्रेस बीजेपी भी मिशन कश्मीर के लिए जोर शोर से जुटी हुई है। बीजेपी का दावा है कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में एक चुनावी रैली के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। मैं राष्ट्र के वास के जरिए हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह को सुनवाना चाहता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से किस तरीके से दोनों पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। ये दोनों पार्टियां कांग्रेस और एनसी, मैं आज उनको पूछने आया हूं, 35 साल आपने राज किया, दहशतगर्दी बढ़ी, 40,000 रोग मारे गए, 3,000 दिन जम्मू कश्मीर बंद रहा, जम्मू कश्मीर 8 साल तक अंधकार में डूबा रहा, इसके जिम्मेदार आप। आज नरेंद्र मोदी सरकार फारूक अब्दुल्ला साहब यहां आकर थोड़ा डर पैदा कर रहे हैं कि दहशतगर्दी जम्मू के क्षेत्र में पूंछ, रजौरी, डोडा में भी आएगी, पहाड़ियों पर आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, किसी की हिम्मत नहीं है ये हरी भरी पहाड़ियों में दहशतगर्दी, टेररिज्म लाने की, हम इसको समाप्त कर देंगे भाइयों, आप मेरे पर विश्वास। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का चुनाव इस बार कई मामलों में बहुत खास है। एक तो धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। दूसरा, 2014 के बाद 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसका दो चरण पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान खत्म हो चुका। अब आखिरी चरण बाकी है जो 1 अक्टूबर को होने वाला है। उसके बाद 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों के नतीजे सामने होंगे। दिलचस्प ये है कि कौन कौन इन दोनों राज्यों में बाजी मारता है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, लेकिन जनता किसको चुनोगी उसकी तस्वीर 8 तारीख को साफ हो